गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन। सो आज की वीडियो में हम स्किन के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं उनकी स्किन यूथफुल हो एंड बहुत ड्यूई हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट माई स्किन टाइप। एक्चुअली मेरा जो स्किन टाइप है दैट इज कॉम्बिनेशन स्किन। तो मेरा जो ये टी जोन है इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल आता है एंड उसके अलावा जो चीक वाला एरिया है वो थोड़ा सा ड्राई रहता है इन कंपैरिजन टू द टी जोन। एंड मेरी एज इज 25, तो धीरे धीरे टाइम के साथ स्किन जो है वो डिप्लीट होती चली जाती है, एज यू गाइज नो। अब धीरे धीरे एज के साथ जो है स्किन ढलनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम सब लोग चाहते हैं हमारी जो स्किन है वो एकदम यूथफुल लगे और रेडियंट लगे। सब लोग चाहते हैं उनका जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड बाउंसी रहे, चाहे कोई भी एज हो। तो अगर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अपने स्किन से, तो उसके लिए भी ना एक प्रोडक्ट है मेरे पास आज आपके लिए, विच इज़ फ्रॉम लॉरियल पेरिस एंड इट्स देयर अमेजिंग प्रोडक्ट विच इज़ लॉरियल पेरिस रिवाइटल लिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम, विच इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। तो अगर आपको नहीं पता है तो दुनिया भर के डर्मेट्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपने स्किन केयर में हाइलुरोनिक एसिड को ज़रूर इंक्लूड करें। तो आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ फ्रॉम लॉरियल पेरिस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू गाइज, बिकॉज अगर आपको अपनी स्किन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो भी ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बिकॉज इफ़ यू अप्लाई दिस काइंड ऑफ अ सीरम ऑन योर फेस, तो आपको कोई भी यू नो जल्दी से इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, वेदर इट्स एजिंग, ड्राइनेस एंड इफ़ यू वॉन्ट योर स्किन टू बी ग्लोई एंड यूथफुल। मैं अभी लगभग 3 to 4 weeks से ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। एक्चुअली प्रेगनेंसी में मेरी स्किन थोड़ी डल हो गई थी, आई डोंट नो वाई। अभी लास्ट के 2 months से मैं देख रही हूँ मेरी स्किन काफ़ी डल हो गई थी, बट जब से मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया है आई कैन फील द चेंज इन माई स्किन। माई स्किन इज़ लिटिल बाउंसी एंड आई फील लिटिल हाइड्रेटेड। मैं पानी ज़्यादा पी रही हूँ बट स्टिल आई कैन फील द डिफरेंस इन माई स्किन फ्रॉम दैट टू दिस एंड इट फील्स रियली सॉफ्ट एंड बाउंसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि US का नंबर वन प्रोडक्ट है एंड लॉरियल पेरिस हैव लॉन्च्ड दिस प्रोडक्ट इन इंडिया एज वेल, तो हम लोग भी इसके बेनिफिट्स अब ले सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस प्रोडक्ट कंटेन्स 1.5% ऑफ हाइलुरोनिक एसिड विच इज़ यूज, क्योंकि इतना सारा कॉन्सेंट्रेशन आपको किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, बट लॉरियल पेरिस इज ऑफरिंग यू दिस सो दैट यू कैन टेक द हाइएस्ट बेनिफिट्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड बिकॉज इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। मेरे फेस में बहुत डलनेस आ गई थी एंड दिस सीरम हेल्प मी अ लॉट बिकॉज दिस सीरम हैज इंक्रीज्ड माय स्किन रेडियंस बाय 42%, विच इज ह्यूज आई गेस। एंड साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया डलनेस थी, तो हाइड्रेशन तो ये प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से स्किन बहुत ड्यूई हो जाती है। यू फील लाइक वेरी बाउंसी कॉम्प्लेक्शन एंड बहुत सॉफ्ट सी फीलिंग आती है आपको अपने फेस से। आई कैन गारंटी यू गाइज, अगर आप ये सीरम एक बार यूज करेंगे ना, यू गाइज आर गोइंग टू लव इट, बिकॉज इसके जो रिजल्ट हैं मुझे बहुत पसंद आए। जेन्युइनली आई लव द प्रोडक्ट। आप जल्दी से देख लेते हैं इसको यूज कैसे करना है। अप्लाई 3 to 4 drops ऑन योर फेस यूजिंग अ ड्रॉपर एंड मसाज जेंटली इट इन टू योर स्किन। वैसे गाइज दिस इज वेरी लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी, जो कि सबसे अच्छी बात है। जितने भी हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी सबसे अच्छी चीज़ होती है एंड दिस प्रोडक्ट इज रियली लाइट वेट, आई स्वेयर ऑन दैट। आई कैन फील अ लॉट मोर रेडियंस इन माई स्किन एंड इट्स वेरी बाउंसी एंड सॉफ्ट एंड डू एट द सेम टाइम। अगर आप अपने स्किन केयर में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, डू एड हाइलुरोनिक एसिड, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू दैट। सो इस प्रोडक्ट की बेस्ट पार्ट ये है कि ना तो इसमें कोई कलरेंट्स है, ना फ्रेग्रेंस है और ना ही एल्कोहल है। इट्स कम्प्लीटली एल्कोहल फ्री, सो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड फॉर योर स्किन। सो बेस्ट वे टू अप्लाई इट कि पहले आप ये सीरम अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लें, देन उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर यूज करें एंड डे एंड नाइट दोनों टाइम पे आप ये यूज कर सकते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली एड इट टू योर स्किन केयर रूटीन। एज यू गाइस कैन सी माई स्किन इज सो मच हाइड्रेटेड आफ्टर एप्लीकेशन, इसलिए मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है सो दैट यू गाइस कैन सी द डिफरेंस, बिकॉज देखना बहुत जरूरी है। वेन यू विल सी देन ओनली यू कैन बिलीव, तो इसलिए मैंने दिखाया एंड माई स्किन फील्स सो बाउंसी राइट नाउ। सो गाइज फॉर बेस्ट रिजल्ट यू कुड यूज इट ट्वाइस अ डे, एक बार डे में यूज कर सकते हैं मॉर्निंग में एंड देन इन द नाइट, एंड उसके ऊपर आप अपना मॉइस्चराइजर इजिली अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा एंड इट मेक्स योर स्किन रियली हेल्दी, रेडियंट, स्मूथ, ग्लोई, यूथफुल, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं ना स्किन के लिए वो सब चीज़ों में काम करती है ये सीरम। जैसे जैसे टाइम के साथ आप इसे यूज करते जाएंगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट द क्वालिटी ऑफ योर स्किन इज गेटिंग बेटर डे बाय डे बिकॉज इट वर्क्स रियली वेल, बिकॉज इट्स प्रोवाइडिंग द राइट हाइड्रेशन दैट योर स्किन नीड्स। सो लॉरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड सीरम कम्स इन 2 packages विच इज 15 ml एंड दैट इज प्राइस फॉर ₹499 एंड इफ यू विल गो टू द 30 ml packaging then it is priced for ₹999। So ये वाला product आपको बहुत सारा use करने की जरूरत नहीं अगर बहुत लोग बोले कि expensive है, क्योंकि हम सिर्फ 3 to 4 drops यूज करने वाले हैं कि छोटी सी बॉटल जो है ना आपकी बहुत लंबे टाइम चल जाएगी। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी सीरम, तो बस 3 to 4 drops अपनी स्किन पर अच्छे से मसाज करें एंड देन उसके बाद थोड़ी देर छोड़ दें, देन अप्लाई मॉइस्चराइजर
एंड यू आर गुड टू गो. आई रियली लव द प्रोडक्ट. अगर आपको भी पसंद है तो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो जल्दी से जाओ एंड इफ यू वांट टू बाय यू कैन. तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि पहले आप छोटा वाला पैक खरीद के देखें विच इज 15 ml, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई हाउ मच चेंजेस योर स्किन इज गोइंग थ्रू दिस प्रोडक्ट. एज यू गाइज नो देर आर नो डाउट्स ऑन द ब्रांड L'Oreal Paris इज गिविंग सो मच ऑफ स्किन केयर फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम एंड दे हैव अमेजिंग रेंज ऑफ स्किन केयर. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक द रिव्यू ऑफ दिस सीरम एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स. टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड yeah. Bye.